और चलिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर आपको बता दें श्रीकांत शर्मा वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। श्रीकांत शर्मा पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर, वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त बड़ी तस्वीर लगातार FM न्यूज पर हम पहुंचाते जा रहे हैं और ये तस्वीर जहां पर श्रीकांत शर्मा वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और पोलिंग बूथ पर श्रीकांत शर्मा वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो कैबिनेट मंत्री आपको बता दें श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं और श्रीकांत शर्मा यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे, तस्वीरें जो है सामने आ चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि मथुरा में श्रीकांत शर्मा एक बड़ा चेहरा भी है और एक ऐसा चेहरा है जो कि स्वीकार्य भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक इमोशनल कनेक्ट भी बना करके चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 महीने पहले ही श्रीकांत शर्मा का मैंने इंटरव्यू किया था और उस दौरान जब मैं पहुंचा था मथुरा में ही जाकर के मैंने इंटरव्यू किया था और उस दौरान ही मैंने ये देखा कि श्रीकांत शर्मा लखनऊ में तो रहते ही हैं लेकिन मथुरा के लोगों के लिए भी वक्त निकाल लिया करते हैं। बड़ी बात यह है कि हर एक वर्ग में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं श्रीकांत शर्मा, वाक्पटुता उनमें है ही। वोटिंग का 1.5 घंटा पूरा हो गया है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 राज्यों की पंचानवे, एक मिनट नंसी मुझे, 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है, 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है। मथुरा से हेमा मालिनी, फतेहपुर सीकरी से इसके अलावा राज बब्बर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, फारूक अब्दुल्ला, तारिक अनवर, ये सब वो दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी है और किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज का दिन खबरों के मामले में बहुत ही बड़ा है। राशि जी आपको रोकना चाहूंगी, श्रीकांत शर्मा इस वक्त क्या कुछ कह और एक मजबूत नेतृत्व और एक मजबूत भारत के लिए सब लोग इस उत्सव में सहभागी हों। यूपी इस बार खास तरीके से देखा जा रहा है, क्या महागठबंधन की हवा है श्रीकांत जी किस तरह से? देखिए हवा महागठबंधन की तो फुस हो गई है क्योंकि वो उनकी जो नेता है मायावती जी वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया और कंफ्यूजन है। ऊपर नेताओं में तो गठबंधन है लेकिन नीचे जो जमीन पर गांठ है तो वो इतनी आसानी से गांठ खुलने वाली नहीं है। दूसरा क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के आम जन के साथ पहले से उनकी जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, वो बहुत मजबूत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हम गाँव वालों के लिए मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए, घर में गैस का चूल्हा दिया, आयुष्मान भारत के नाते परिवार के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष का लाभ दे रही है हमारी सरकार। जिनके पास पक्के मकान नहीं है उनको 2022 तक सबको पक्के मकान, और किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपये हर साल देने का काम करें। वहीं दूसरी तरफ वहीं जो मथुरा के लिए जो है, मथुरा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ब्रज विकास बोर्ड का गठन हुआ, हमारे जो पवित्र स्थान उनको तीर्थ स्थान घोषित किया मथुरा के अंदर, जो क्योंकि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ जो बुनियादी आवश्यकताएं थी उनसे अभी तक मथुरा पूरी तरह से छूटा हुआ था तो इसका एक हमने इंफ्रा डेवलप किया है। गिरिराज जी की सप्तकोसी परिक्रमा का, वृंदावन की हमने पंचकोसी परिक्रमा का। श्रीकांत जी आप पुराने नेता हैं, यहाँ पर आपका घर है, यहीं पर हेमा जी को लेकर गांव में खासी नाराजगी थी, अब किस तरीके दिखने लगता है कि इस बार फिर से सीट रिटेन कर? देखिए सब एक विपक्ष के द्वारा ये उठाए गए इश्यूज हैं और हेमा जी, जितने जयंत चौधरी यहाँ नहीं रहे, जितना राहुल गांधी अमेठी में नहीं रहते हैं, जितना श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली में नहीं रहती हैं, उससे ज़्यादा हेमा जी मथुरा में रहती हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो अपना आत्मचिंतन करें कि अखिलेश जी की जो पत्नी है कन्नौज कितने दिन रहती हैं। तो भाई एक ये मैं कहूँगा कि ये भेदभाव है, आप जो मतलब युवराज हैं जो उनके बारे में तहकीकात नहीं होती है, और एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और मेन इशू है मोदी जी का जो काम है दुनिया के अंदर और देश के अंदर जो छवि भारत की बनाई है वो बहुत जरूरी है। और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा जी, देश के आपको बता दें ऊर्जा मंत्री और राष्ट्रीय सचिव हैं श्रीकांत शर्मा और इस वक्त आप उनको सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या योजनाएं दी हैं। लेकिन यहाँ पर जी जी राशि आप कुछ कहना चाहते हैं? एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बनारस में प्रियंका के लड़ने को लेकर के एक अखबार को राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है। राहुल गांधी ने द हिंदू अखबार को इंटरव्यू दिया है और यह कहा है कि कभी कभी सस्पेंस बेहतर होता है। मैं फिर से चाहूंगा कि मेरे सहयोगी फुल फ्रेम ब्रेकिंग इस खबर को चलाएं।
राहुल गांधी ने कहा है सस्पेंस बना रहे तो फिर अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण का जिस दिन चुनाव चल रहा है उस दिन राहुल गांधी ने यह बात बोली है, बहुत बड़ी खबर है। जो जो दर्शक अभी अभी ट्यून इन हुए हो उनकी जानकारी के लिए यह बता दूं, क्योंकि अभी तक खबर ये आ रही थी, अभी तक इस तरह के की अटकलें लगाई जा रही थी, जर्नलिस्टिक स्पेकुलेशन भी चल रही थी, स्पेकुलेशन इस बात की कि क्या प्रियंका गांधी बनारस में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का बन करके उतरेंगी। लेकिन अब द हिंदू अखबार को इंटरव्यू दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने यह कहा कि कभी कभी सस्पेंस अच्छा होता है। एक क्विक रिएक्शन एके से लेना बेहद जरूरी है। एके, इस सस्पेंस का मतलब क्या है? नहीं देखिए, सस्पेंस ये लोग कई मामले में, और हाँ मेरे सहयोगी इसे फुल फ्रेम ब्रेकिंग चलाएं, नीचे की पट्टी में भी इस बड़ी खबर को दिखाएं। मेरी गुजारिश है अपने कोलीग से, फुल फ्रेम ब्रेकिंग नीचे की पट्टी में दिखाएं। राहुल गांधी ने द हिंदू अखबार को क्या बोला है, एके बोल सकते हैं आप? नहीं देखिए, सस्पेंस ये कई मामलों में क्रिएट करते हैं, और अभी कांग्रेस भी इन सब बहुत सारी चीजों पे इन्होंने करना शुरू कर दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, अभी तक जो मैंने एनालिसिस की है, कि कांग्रेस गठबंधन में न रहते हुए भी गठबंधन में है। देखिए, इन्होंने कई जगह गठबंधन नहीं किया, लेकिन गठबंधन में कांग्रेस और ये जो झड़प होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, एक विरोधी का वो है नहीं। एक और अपडेट राहुल गांधी ने बोला है, ना तो खबर कंफर्म करूंगा और ना ही खबर मैं खारिज करूंगा। और याद दिलाना बेहद जरूरी है कि 19 मई को बनारस में वोटिंग है, यानी आज से ठीक एक महीना और एक दिन के बाद में बनारस में वोटिंग है। आखिरी चरण का जब चुनाव पहुंच चुका होगा तब बनारस में वोटिंग है, और राहुल गांधी ने द हिंदू अखबार को जो इंटरव्यू दिया है उसमें यह कहा है सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है, और साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ना तो इस खबर को कंफर्म करूंगा ना ही इस खबर को खारिज करूंगा। एके, नहीं इसमें हो सकता है, देखिए बनारस जैसी सीट पर जहां पीएम मोदी अगर उतर रहे हैं तो मे भी प्रियंका गांधी के लिए लास्ट मोमेंट पे ये वहां से लॉन्च करें, या उनको एक्टिव हो सकता है ये रॉबर्ट्स वाड्रा को भी अब की बार कहीं ना कहीं से टिकट दे दें, क्योंकि ये सब चीजें इनके पास अभी देखिए करंट में देखा जाए तो सबसे बड़ा लोग क्वेश्चन क्या है, सारे कांग्रेसी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच जो है बड़ी जानकारी मिल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान, यानी कि राशिद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वही बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर बोले हैं राहुल गांधी और कहा है कि सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है, राहुल गांधी ने कहा, और इसी को लेकर एके मिश्रा जी जो है जवाब दे रहे थे। जी एके मिश्रा जी, देखिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन खुद कांग्रेसियों के लिए शुरू से रहा है कि प्रियंका गांधी राजनीति में कब आ रही है, एक्टिव चुनाव लड़ेंगी, कैंडिडेट कहीं से होंगी, पूर्वांचल से होंगी, कहां से होगी होंगी। जो है मैं समझता हूं पूर्वांचल पे इनको अटैक करना है, और पूर्वांचल में बीजेपी का गढ़ अगर ध्वस्त करना है तो उसके लिए प्रियंका गांधी अगर चुनाव में लड़ती हैं तो ये सबसे बड़ा प्रहार होगा। मे बी पॉसिबल कि ये सबसे बड़ा तुरुप का इक्का होगा इनका, जिस हिसाब से इनको रिस्पॉन्स मिला है प्रियंका गांधी के लॉन्चिंग का। देखिए चेंज तो आया है नो डाउट, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रियंका गांधी को टिकट दे करके लड़वाया जाए बनारस से या कहीं पे भी। अगर ऐसा हुआ जब पूर्वांचल में पूरे पूर्वांचल में वोटिंग शुरू होगी तब आप देखिएगा प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव होंगी, क्योंकि पूर्वांचल में इन लोगों ने अब की बार निशाना साधा हुआ है। तो इस सस्पेंस का मतलब यही है, इसी की वजह से वो भी वाराणसी पहुंची थी उसी अंदाज में नजर आई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। इस बीच बड़ी जानकारी ये है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है, धनीकारका के जंगलों में डीआरजी के साथ मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी जानकारी मिली है इस वक्त की बड़ी खबर। मुठभेड़ में दो नक्सलियों को ढेर किया गया है, ये बड़ी जानकारी। और इस बीच हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल उनका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है और अपने दर्शकों को बताएंगे। एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से, बड़ी जानकारी इस वक्त, बुलंदशहर के बूथ संख्या 439 पर मतदान रुक गया, तो बड़ी जानकारी इस वक्त, ईवीएम खराब होने से यहां पर मतदान अभी तक शुरू नहीं इस हुआ। बड़ी खबर के साथ साथ मैं दर्शकों को यह भी बताना बेहद जरूरी है, मैं चाहूंगा कि मेरे जो सहयोगी है, मेरे कुलीग्स टीवी स्क्रीन पर चेन्नई में रजनीकांत की तस्वीरें दिखाएं, चेन्नई में कमल हासन की तस्वीरें दिखाएं, चेन्नई में जब वोटिंग करने के लिए श्रुति हासन पहुंची वो भी तस्वीरें दिखाएं, अब से थोड़ी ही देर पहले की वो तस्वीरें होंगी और उन्हें आप दिखाएं,
और मेरे ख्याल से आपके साथ में नैंसी हमारे सहयोगी भी, हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, आपको जुड़ना चाहिए उनके साथ में। बिल्कुल, मोहित हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित गुप्ता अलीगढ़ से। मोहित, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास है, कितनी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी समय बीत चुका है यहाँ पर। मैम लाइन बहुत लंबी लग चुकी है, और अगर बात करते हैं तो कई जगह ईवीएम खराब होने की भी सूचना सामने आई, वहां जाके हमने लाइव कवरेज भी किया था, ईवीएम खराब हो चुकी है, उसमें एरर आया था, लगभग 45 मिनट के बाद ईवीएम चालू हुई थी। अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि लाइन लगी हुई है वोटरों की, वोट डालने के लिए लंबी लाइन है, और लेकिन चूंकि रात जो बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद थोड़ा जल भरा, कोशिश कीजिए जो लोग अभी वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं उनसे आप बात कीजिए। मोहित, मैं राशिद बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि जो लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं उनके साथ आप बात कीजिए, उनसे आप ये बिल्कुल ना पूछें कि किसे वोट देने जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर पूछें कि जब वो पोलिंग बूथ तक आए हैं तो उनके जहन में क्या है, क्या सोचकर मतदान करने के लिए आए हैं, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपनों के लिए, उनके जहन में क्या चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर संभव हो तो लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए आप। इस वक्त की और बड़ी जानकारी आ रही है हाथरस से, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो बूथ नंबर एक पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है हाथरस से, और बड़ी जानकारी आपको दे दें, हाथरस की बड़ी जानकारी है कि एक घंटे से ईवीएम में खराबी की जानकारी मिली है, ईवीएम में खराबी के चलते एक घंटे से वोटिंग रुकी हुई है। तो वापस मोहित का रुख करेंगे, और मोहित गुप्ता अलीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच राशिद जी ने कहा कि लोगों से अगर बातचीत करना पॉसिबल हो तो उनके बीच जाएं और सवाल करें कि क्या उनके जहन में है, क्या कुछ सोचकर वोटिंग के लिए आज वो घर से बाहर निकले हैं। मोहित के पास जाएंगे, लेकिन इस बीच कमल हसन वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए, उनकी बेटी श्रुति हसन भी उनके साथ लाइन में लगी हुई नजर आई थी, और मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं कमल हसन, और तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो चलिए मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, कमल हसन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी जी, चेन्नई की तस्वीर है ये, कमल हसन के यहां जाएंगे मोहित के पास में। चेन्नई की ये तस्वीर आ रही है, कमल हसन की तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कमल हसन, श्रुति हसन, रजनीकांत, इन सभी की चेन्नई से तस्वीरें आई हैं हमारे पास में। और बहुत बार क्या होता है दक्षिण भारत में, ये जो फिल्म स्टार्स होते हैं, इन्हें चूंकि टॉलीवुड स्टार्स बोला जाता है, ये जो टॉलीवुड स्टार्स होते हैं कल्ट फिगर हो जाया करते हैं, और लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता होती है। चलते हैं अलीगढ़ में, और मोहित हमारे सहयोगी अलीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, लोगों से बात कीजिए, क्या सोच के आप वोट डालने आए हैं, क्या है आपके मन में पूरी तरीके से? हमारे मन में तो ये है कि हम तो वोट डालने आए ही आए हैं। क्या सोच के आपने, कैसी सरकार की उम्मीद रखते हैं गली मोहल्ले के लिए, क्या विकास होना चाहिए, क्या है सीधी सरकार? विकास चाहिए, विकास की हो तो हम तो वोट डालने। सर, क्या सोच के आप वोट डाले, आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार कैसी सरकार हो, आपके हित में क्या क्या चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए, विकास के नाम पर वोट करेगा। आपके अभी जल भराव हुआ, जल भराव की समस्या है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर जो जल भराव की समस्या आ रही है? इस समय तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सर, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी समस्या है, थोड़ा क्षेत्र में अलीगढ़ के लिहाज से, अलीगढ़ के लिहाज से मुझे कल्याण सिंह भी याद आते हैं, अलीगढ़ के लिहाज से मुझे लोद वोटर्स भी याद आते हैं। क्या वो कल्याण सिंह वाला फैक्टर सन 91 से लेकर के अभी तक, अगर मैं पूरा काउंट करके देखूं 28 साल एक ऐसा फैक्टर है जब कल्याण सिंह वहां पर हर किसी के दिल दिमाग में होते हैं, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग से आए, चाहे किसी भी जातीय वर्ग से आए। और बड़ी बात यह है कि यहां पर लोद वोटर्स जो है वो गेम चेंजर्स होते हैं। क्या इस बार भी ये लोद वोटर्स गेम चेंजर्स होंगे, और क्या ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हीं ओबीसीज और एमबीसीज को ध्यान में रखते हुए कल प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं पिछड़ा हुआ हूं, इसीलिए कांग्रेस वाले मेरे ऊपर, मुझे लेकर के उल्टी सीधी बातें बोला करते हैं? देखिए राशिद, हम लोगों ने कई बार ये बात की है, यहाँ का आप पैराडिगम देखिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखिए आप,
चाहे मायावती रही हो, चाहे मतलब रीजनल पार्टियां, तो सारे के सारे इन्हीं लोगों के सहारे जो है मुख्यमंत्री बनी और न जाने कितने वो जीते ना, तो ये सारी चीजें तो होती ही थी। जो फैक्टर आज के 20 साल पहले था वही फैक्टर आज मायावती जी भी फिर यूज कर रही है, समाजवादी पार्टी। अभी मनोज यादव ने बोला पिछली बार इनका स्लोगन था काम बोलता है, अब की बार काम की ये बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टर ही यही है, ओरिजिनल फैक्टर यही है। और इसीलिए मोदी जी ने बोला अगर लोधी वोट बैंक उस एरिया में प्रभुत्व रखता है और आज के 20 साल पहले इफेक्टिव था तो आज भी इफेक्टिव है, ये चीज है। ओरिजिनली अगर देखा जाए, इस बीच एक सवाल करना चाहूंगी, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस बार जो है जो बीजेपी की सरकार है या एनडीए का जो गठबंधन है वो कुछ डिफोकस सा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग नहीं रहा? कि विकास की बात कही गई थी, कई मुद्दों की बात कही गई थी, लेकिन इस बार तो नरेंद्र मोदी का अंदाज ही कुछ अलग ही नजर आ रहा है। या और अदर लीडर की बात मैं आपको बताऊं, डीफोकस किन चीजों पे हुआ है राशिद, देखिए ये समझने वाली बात है। 2014 में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उसके कंपोनेंट और डायनामिक्स, ये तीन चीज होती है, टोटली डिफरेंट था। 2014 में जो डायनामिक्स था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, यानी धुरी थी जो वोट बैंक की राजनीति की, वोटों के ध्रुवीकरण की, पोलराइज करने की जो धुरी थी, जो एक्सिस थी, वो भ्रष्टाचार था, वो ग्रोथ था, वो डेवलपमेंट था। आज क्या है, 5 साल के बाद वापस ये पैराडिगम मतलब कि ये पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स का पैराडिगम है, ये वापस अपने नेचुरल एक्सिस पे शिफ्ट कर गई है जो 2014 में था। इसीलिए अब की बार चुनाव में आप देखिए जाति पात की बातें ज्यादा हो रही हैं, सीटों का बंटवारा, जाति, निरहुआ यादव को आजमगढ़ खड़ा करने के पीछे रीजन क्या है, निरहुआ यानी ये जो लल्लन यादव या क्या नाम है, तो अब जाति पात पे सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि नेचुरल फॉर्म में जो इंडियन पॉलिटिक्स अभी तक चलती आ रही है, पैराडिगम उसका पूरा वही शिफ्ट हो गया है। आपका सवाल राशिद जो है कि अगर कभी वो था तो आज भी है। जी आपकी बात से शायद मनोज यादव जी सहमत नहीं है, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं वही बात फिर दोहराऊंगा और एके जी को इस बात को याद दिलाता रहूंगा जब तक 23 मई नहीं आ जाएगी। हमने नई सरकार बनाई थी 2014 में, आपकी बार मोदी सरकार, तो आप अटैक करो ना मोदी जी के ऊपर कि क्यों जाति के नाम पे सरकार बनाई थी और क्यों जातीय बात करी थी, क्यों धार्मिक आधार पे लोगों को बांटा था। नहीं, ये समाजवादियों का काम नहीं है, हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव जी देखिए आखिर पिछड़ों दलितों को हक उनका क्यों नहीं दिया जा रहा है? मनोज यादव जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, राशिद रुकिए जी, एक चीज समझिए आप, राशिद मुझे 1-30 सेकंड बोल लेने दीजिए। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ मनोज यादव जी, आपने अहीर रेजिमेंट बनाने की बात की, अरे पूरे थानों में तो अहीर भर दिया है आपने, केवल अभी आपको दूसरा रेजिमेंट बताएंगे, माई फार्मूला किसका था, ये सब अखबारों में खबरें निकली हैं सर, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो शुभकामना आपको भी है, मैं तो बोलता हूं व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं। कहा कि ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी क्यों इस देश में बनी हुई है, किसी दिन डिबेट होगी तो मैं बता दूंगा क्यों बनी हुई, मैं बता दूंगा, मैं किसी दिन भाई ब्राह्मण या कोई भी क्यों है गोली खाने जाते हैं उसमें भी दिक्कत है, कारण बता दूंगा। अब आओ ना आप मुद्दे पे, अब आप मानो ना कि आप इसी मुद्दे पे आ गए, काम बोलता है आपने क्यों नहीं अपना स्लोगन क्या बताना चाह रहे हो, अगर आप क्या बताना चाह रहे हो तो काम जाते रेजिमेंट क्यों है, बिजली सड़क पानी की बात, रेजिमेंट क्यों है कि मनोज जी के जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, मनोज जी के जहन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन अभी जाति की बात छोड़ देते हैं अभी जाति की बात मत करिए, कभी कर लेंगे। मनोज जी एक बड़ा खास सवाल आपसे, एक बड़ा खास सवाल आपसे पूछना बेहद जरूरी है कि अभी तक देखिए ठीक है हर कोई अपना काम कर रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से पहले फेज का इलेक्शन 11 अप्रैल को शुरू हुआ था वहां पर अग्रेशन आरएलडी की तरफ से भी दिखाया गया, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी दिखाया गया, हालांकि हो सकता है मेरा सवाल का जवाब आप ये दें कि यहां पर वर्चस्व ही आरएलडी और बीएसपी का रहा है जो दो फेज के जो इलेक्शन अभी फिलहाल चल रहे हैं, पहला फेज और दूसरा फेज, लेकिन वो अग्रेशन अखिलेश यादव में नजर क्यों नहीं आ रहा, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी रैली में मैं देख रहा हूं, ठीक है मायावती नजर आई, सहारनपुर में मायावती नजर आई, बैन लगने के बाद अगर कोई नजर आया तो आकाश आनंद नजर आए, अखिलेश यादव उस अग्रेशन के साथ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, डायस पर तो हैं अखिलेश यादव, बोल भी रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो अग्रेशन अभी अखिलेश का नजर क्यों नहीं आया है? देखिए वो हिंदुस्तान के लाजवाब नेताओं में से एक है, मैं इस नाते नहीं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, उनका अपना एक अंदाज है राजनीति करने का और वो मेरे ख्याल से जितना
तीखा हंस के जवाब दे देते हैं, उतना तो कोई मेरे ख्याल से नाराज होके भी नहीं दे पाएगा। और उनका पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो इस तरीके का है कि सबको साथ लेके चलने वाली बात उन्होंने लगातार राशिद जी कही है, और उसी पे वो उनका जो चुनावी सिस्टम है और जो भाषण देने का स्टाइल है उसका तो दुनिया कायल है। मैं तो राजनीति में जब से आया हूँ उन्हीं को देख के आया हूँ, तो वो एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही सौम्य नेचर के व्यक्ति हैं और राजनीति में उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जो शायद ही कोई करना चाहता हो। वो अलग बात कि उनके ऊपर इस देश के तथाकथित लोग तमाम तरीकों का आरोप लगाते हैं, फिर भी वो हंस के जवाब देते हैं। आज जाइए, शायद जितना काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में हो जाता था उतना आज बीजेपी योगी जी बनारस का पहुंच रहे हैं। सुधाकर जी, योगी जी बनारस का पहुंच रहे हैं, ठीक है, योगी जी बनारस का पहुंच रहे हैं। सुधाकर जी देखिए, ये तो अपडेट आप बताएंगे, अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, ये अपडेट आप बताएंगे कि कब पहुंच रहे हैं बनारस, और आज का उनका कार्यक्रम था, कितने बजे पहुंच रहे हैं ये हमारे पास अभी जानकारी नहीं है। जो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हों उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की बड़ी खबरें, आज खबरों का दिन है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, 12 राज्यों की 95 सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, जेट एयरवेज पूरी तरह जमीन पर है, जेट एयरवेज बंद है, 20,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव का नामांकन आज ही के दिन है, पूनम सिन्हा का नामांकन लखनऊ से आज ही के दिन है, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं लखनऊ के आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका भी नामांकन आज ही के दिन है, योगी आदित्यनाथ बनारस में आज ही हैं और इस लिहाज से ये खबरों का बड़ा दिन है। प्रियंका गांधी को लेकर के राहुल गांधी ने द हिंदू को इंटरव्यू दिया है, उनका ये कहना है कि कभी कभी सस्पेंस का बना रहना अच्छा होता है, प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी इसके बारे में कुछ भी ना तो कंफर्म करूंगा ना ही कोई भी बात खारिज करूंगा, ये राहुल गांधी का कहना है। और राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं बनारस को लेकर के, तो इसका अपना प्रोजेक्शन है। एक बात समझनी बेहद जरूरी है कि पूर्वांचल जो है पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक इंडिकेशन देता है, और पूर्वांचल में बनारस का जो इंडिकेशन होता है वो पूरे प्रदेश तक जाता है। राहुल गांधी ने यह बात कह करके एक नया शिगुफा छोड़ा है, राहुल गांधी ने डिनाई नहीं किया है, और जब डिनाई नहीं किया राहुल गांधी ने तो एक बात जरूर छोड़ दी है, वो ये कि हाँ प्रियंका गांधी अभी भी इस बात को खारिज नहीं किया जा रहा कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। पिछले दिनों हमने आपको खबर ये दिखाई थी कि बनारस में एक पूरा कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, ये डेलीगेशन वहां पर लोगों से बातचीत कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इन सभी के बीच में यूपी की 8 सीटों पर टक्कर जारी है, यूपी के अलीगढ़, हाथरस, नगीना, लगभग 2 घंटा होने को आ गया है, मथुरा में, फतेहपुर सीकरी में, इन 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, कुछ जगह से ईवीएम खराब, नगीना से जैसे ईवीएम खराब होने की खबर आई है। 2 घंटे में मतदान प्रतिशत क्या है अब से 10 मिनट के बाद ही हम आपको एक नए तरीके से दिखाएंगे, और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे दाईं तरफ 2014 के उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या रहे थे, 2014 के चुनाव में 8 के 8 सीटों भारतीय जनता पार्टी पर जीत हुई थी, और बाईं तरफ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बाकी 11 राज्यों में किन किन सीटों पर मतदान हो रहा है, नीचे हर एक इलेक्शन ब्रेकिंग, एक एक खबर, एक एक तस्वीर, सबसे सटीक, सबसे पहले सिर्फ FM न्यूज पर। बिल्कुल राशिद जी, आपको इस बीच और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि हमारे साथ अमरोहा से इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इरशाद आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आप पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, देश भर में अब तक करीब 10% मतदान हो चुका है, इसी का जिक्र अभी राशिद करते नजर आ रहे थे, यूपी में अब तक करीब 8% मतदान हुआ है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, लगभग 2 घंटे का वक्त बीतने वाला है और बड़ी जानकारी कि 8% मतदान हुआ है 2 घंटे के वक्त बीतने के बाद उत्तर प्रदेश की सीटों पर। इरशाद हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं, और क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कितनी भीड़ है, क्या तैयारी है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी मैम, शुक्रिया मैम, मैं अमरोहा से मैं आपको बताना चाहूंगा, अमरोहा लोकसभा में जो मतदाता है उनमें काफी बड़ा जोश देखा जा रहा है, जो लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हैं, मेरे बैक में जो देखेंगे वो बड़ी लंबी कतारें हैं, आइए वोटरों से भी जान लेते हैं वोट किन किन मुद्दों पे, जो वोटर है वो किन किन मुद्दों पे के लिए वोट कितनी लंबी लाइनों में लगे हैं वो बताइए जी, आप क्या मुद्दा रहेगा आप यहाँ जो आप मतदान करेंगे, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ।
मैं मुझे बताइए क्या सोच के आप वोट डाले जी आप वोट डाले कोई परेशानी नहीं मेरे साथ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो लंबी लंबी लाइन यहाँ महिलाएं और जो जो जेंट्सों की बात की जाए तो यहाँ पर काफी लाइनें लगी हैं बिल्कुल महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग लाइन लगी है शायद हम देख पा रहे हैं हालांकि आपने कोशिश की कुछ लोगों से बात करने की हालांकि कुछ लोग जो हैं शायद कैमरे के आगे अपने आप को इतना जो है इजी फील नहीं कर पाते हैं नहीं बोल पाते हैं लेकिन सवाल फिर भी हम चाहेंगे क्योंकि पीछे आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं उनसे भी पूछिए उन्होंने बहुत सा दौर देखा होगा और बहुत से लोकसभा चुनाव देखे होंगे क्या इस बार वो जब आए हैं मतदान के लिए क्या उनके जहन में चल रहा है किस तरह से वो सोचते हैं कि उनके उम्मीदवार में इस तरह की जो है वो इस तरह के वादे और दावे जो करते हैं ये होने चाहिए चलिए शायद वापस आपके पास आएंगे लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगातार हम एक एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं।